जिसने फिक्र छोड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल रास्ते पर चला है। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहते हैं, वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहा। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ मैं हाँ मिला दिया करो। संबंध लंबे समय तक टिकेंगे, आप कितने भी अच्छे हों, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ़ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। जितनी भी मेहनत करो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार क्यों ना लग जाए। कभी कभी आपको बिना किसी चेतावनी के लोगों को हटाना पड़ेगा, और आपको उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो लंबे समय से आपके साथ गलत करते आ रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका या तो हम मजाक उड़ाते हैं या ज़रूरत नहीं कहकर भूल जाते हैं। भीड़ से अलग दिखाई देने वाली चीज़ें दुनिया के लिए विचित्र और अजीबोगरीब ही होती है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने के लिए लगा है। एक ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर बहुत सारे लोगों में किसी एक का मिलना ख्याल अच्छा है पर मुश्किल है। तुम स्वीकार कर लो, जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है, वहीं जाने तुम, इनकार मत करो। दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी, और अहोभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो ज़रूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। जिसमें भी तुम्हें श्रद्धा है उसे जानने का विषय मत बनाओ। श्रद्धा अविभाजित मन अविभाजित चेतना का स्वभाव है। किसी के अच्छे मित्र से उनका चरित्र साफ नहीं होता। लोग गंगा नहाते हैं मगर याद रखना, सिर्फ गंगा नहाने से गुनाह माफ नहीं होता। सब मुझे ज्ञान दे रहे हैं जबकि ज़रूरत मुझे साथ की है। लाख रिश्ते होंगे इस दुनिया में मगर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। कितने भी अपने हो पर पिता जैसी देखभाल कोई नहीं कर सकता। दुनिया में 7 अरब लोग हैं लेकिन मोहब्बत हमेशा उसी शख्स से होती है जिसे आपकी एक टके की परवाह नहीं होती है। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, वरना जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब ये नाराज़ होते हैं तो इज्जत पे वार करते हैं। अकेला रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीहत नहीं। अपनी अगली चाल को छिपा कर रखो, अपने लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ। जो करना है वो खामोशी से करो ताकि सफलता शोर मचा दे। रिश्तों की डोरी तब कमज़ोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बन जाता है। अकेले में हद पार मेहनत करो ताकि जब परिणाम आए तो दुनिया चौंक जाए। वो करके दिखाओ जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। जब तक तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो।
बाहर कुछ भी नहीं है, धूल के अतिरिक्त और कभी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। भीतर है तुम्हारा साम्राज्य और भीतर है तुम्हारा सम्राट। मगर भीतर जाने के लिए सीधा सरल हृदय हो तो भीतर जा सकोगे। सोचो, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरों के साथ कर रहे हैं, ये भ्रांति है। आपको प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगना पड़ेगा। हम जो भी बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। इंच इंच का हिसाब है। इस जगह में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। जीवन का उपयोग प्रेम के लिए करो, किसी सर्जतमक कार्य के लिए करो, मित्रता के लिए करो, ध्यान के लिए करो। अपनी ऊर्जा का कुछ ऐसा उपयोग करो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाती हो, और जितने ऊंचे तुम जाओगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत तुम्हें उपलब्ध होंगे। ईश्वर की तलाश भ्रम ही है, क्योंकि ईश्वर खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह सदा ही उपस्थित है। शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। तुम्हारा खुद का मन ही तुम्हारी नहीं सुनता, और तुम निकल पड़ते हो दूसरे को नसीहत देने के लिए। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए, आंखें तो बनाई देखने के लिए, पर वो दिखता है बंद आंखों से। जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग पाप धो धोकर आप करते रहेंगे। मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। मौन और एकांत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। आदमी के पेट की सीमा है 2 रोटी से भर जाएगी या 4 रोटी से भर जाएगी, लेकिन आदमी के मन की तो कोई सीमा नहीं है। कितना भी धन हो तो भी मन नहीं भरता, और जो नहीं भरता उसी का नाम है मन। जितनी कम उम्मीद होंगी उतना ही सुखद सफ़र होगा। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। जिसने ये फिक्र छोड़ी कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल रास्ते पर चलेगा। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहेंगे, वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहेगा। लोगों के हिसाब से अगर सत्य का रास्ता बनता होता तो सभी पहुंच गए होते। भीड़ निर्णायक नहीं है, व्यक्ति निर्णायक है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकलकर अकेला कर दिया और कह रहे हैं तुम मेरी राह के मुसाफिर, जहां मैं हूं वही है तुम्हारी मंजिल। आनंदित हो, आनंद बांटो, और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। स्मरण रखो, दुखी दुख ही बांट सकता है। हम वही बांट सकते हैं जो हम हैं। जो हम नहीं हैं हम उसे चाह के भी नहीं बांट सकते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने चौक से लिख रखा था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहाँ बैठे हो वहाँ नहीं, इस लाइन में से, इस पंक्ति में से यहाँ मिटा दो। फल वाले ने शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजे फल बेचते हो, कुछ सड़े हुए थोड़ी ना बेचोगे, इसलिए इस वाक्य से ताजे मिटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा केवल फल बेचे जाते हैं। और तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा कि पीछे क्या लिख रखा है, यहाँ बाजार में क्या मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलो बेचे जाते भी मिटा दो। बेचारे फल वाले ने जो बचे कुचे शब्द थे वो भी मिटा दिए। अब वो बोर्ड खाली हो गया तो एक चौथा व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गया, ये बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी राय होती है, और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह सुनें, बस ये कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूलें। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा
लेकिन दिमाग लगाइए खुद का, डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा, हारोगे तो सीखोगे और जीतोगे तो सिखाओगे। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, आपको एक चीज़ जो बुरे समय में ज़रूर करनी चाहिए और बहुत से लोग ये चीज़ करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वो गरीब था, मेहनती था, खुश था। वो रोज़ सुबह उठकर भगवान से केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज़ किसान के साथ मंदिर जाती, प्रार्थना करके वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है भगवान। कभी वो खुद को कोसता है तो कभी परमात्मा को। पर किसान की बीवी को अटूट विश्वास था, पर किसान को आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी, अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी और घर चली गई है। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को 10,000 की आवश्यकता है, तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हुए कहा, उसके पास इस समय 10,000 ही हैं और वो रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वो बेझिझक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं अटूट विश्वास, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो हम लोग अक्सर खो देते हैं अपने बुरे वक्त में, और जो उस औरत ने नहीं खोया। वह जानती है कि परमात्मा उसके साथ सदैव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी परमल लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़ें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।